प्लीज लंबा करो जुलूस, प्लीज जुलूस को लंबा करिए, प्लीज 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 लंबा करिए जुलूस। एसएचओ पार्लियामेंट स्ट्रीट ने हमको फोन किया और ये बताया कि आज चूंकि पहले इसी समय पर एक एडवा का मार्च है और उसके बाद शिक्षक संघ का टीचर्स यूनियन का मार्च है, इसलिए ये संभव नहीं हो पाएगा कि आप लोगों का मार्च वहां तक जाने दिया जाए। तो उन्होंने हमसे निवेदन किया था, ये रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग यहीं जंतर मंतर पर अपना ये मार्च कर लें। ये संचार भवन केवल ये मेट्रो स्टेशन की पार्किंग है और इस पार्किंग के उस तरफ संचार भवन है, तो ये हमारा मार्च जो है वो संचार भवन मार्च ही माना जाएगा। आवर दिस मार्च विल बी ट्रीटेड एज संचार भवन मार्च बिकॉज पुलिस हैज नॉट ग्रांटेड परमिशन टू कंडक्ट दिस मार्च थ्रू द रूट विच गोज टुवर्ड्स संचार भवन बिकॉज देयर इज अनदर मार्च March by Edwa up to Parliament Street Police Station and another march of Teachers Union. So we have not been granted permission and we were asked by the police to conduct this march on this Jantar Mantar. So Sanchar Bhavan is very nearby, Office of Minister Communication is very nearby, Dak Bhavan, Sanchar Bhavan both just at parking distance from here. So it will be treated as Sanchar Bhavan march. No problem, sometimes it happens, problems come before SHO and all other officers of police officer came when you were conducting this march, at that time all they have come and they have requested, finally we have accepted the request because we have not to collide with police, we have not come into conflict, what's the need, because we are demanding implementation of Kamlesh Chandra committee report. Comrades, aap sabhi log jante hain बहुत अच्छी तरह से, एक यूनियन जब NFP की P3-P4 यूनियनों से अलग करके जब नए CCSRSA रूल्स आए उसके बाद ये यूनियन बनाई गई थी, तो हम सब लोगों ने मिलकर के वो यूनियन बनाई थी, सभी ने सर्वसम्मति से एक नेता चुना था, लेकिन जब वो नेता गलत कार्य भाइयों में लिप्त हो गया, NTNFP एक्टिविटीज में लिप्त हो गया, जब वो पैसे का भी दुरुपयोग करने लग गया और हमारे लोगों को वो प्रजातांत्रिक अधिकार भी नहीं देता था,
ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंसों में हमारे लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लाठियों के द्वारा दिलवाया जाता था, तब ये निर्णय लिया गया था जीडीएस के जागरूक लोगों के द्वारा और एनएफपी की लीडरशिप के द्वारा, जो कि जीडीएस और एनएफपी दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। न कोई जीडीएस को एनएफपी से अलग कर सकता है, न कोई एनएफपी को जीडीएस से अलग कर सकता है। जीडीएस के दिलों में भी एनएफपी बसता है और एनएफपी के दिल में भी जीडीएस बसता है। इसलिए ये फैसला लिया गया था कि अगर जीडीएस का कोई हित करना है तो एक जीडीएस यूनियन जो पूरी तरह से एनएफपी के साथ रहे, उस जीडीएस यूनियन का गठन किया जाए। क्योंकि आप लोगों को जानकारी होगी कि पहले ईडीएस कंडक्टेंट सर्विस रूल्स हुआ करता था, जो पुराने जीडीएस साथी होंगे वो जानते होंगे ईडीएस और कंडक्टेंट सर्विस रूल, बाद में उसको बदला गया जीडीएस कंडक्टेंट एम्प्लॉयमेंट रूल, उसके बाद उसको बदला गया जीडीएस कंडक्टेंट एंगेजमेंट रूल। लेकिन उस सो कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ने, क्योंकि उसके कारनामों की शिकायत डाक प्रशासन में आ चुकी थी, वो उसको मॉरल करेज नहीं था कि वो डाक प्रशासन का मुकाबला कर सके, क्योंकि जब 9,797 पोस्ट ऑफिसेस और 325 आरएमएस ऑफिसर्स के तोड़ने का निर्णय लिया था, तब कामरेड कृष्णन सेक्रेटरी जनरल थे, दो बार इंडेफिनिट स्ट्राइक का नोटिस दिया गया था, सात सात राउंड की बातचीत हुई थी और उस बातचीत में महादेव भैया ने एक भी बार भाग नहीं लिया था, क्योंकि उसको धमका दिया गया था डाक प्रशासन के द्वारा। तो ये स्थिति बनी कि हम लोगों को मजबूरन होकर के ये इस यूनियन का गठन करना पड़ा। यूनियन का मोजरी अमरावती ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में पूरा वर्टिकल डिवीजन हुआ और उसके बाद हमने कई बार मांग की कि हमारी इस यूनियन को मान्यता दी जाए या फिर से वेरिफिकेशन कराया जाए। लेकिन चूंकि प्रशासन इस काम में उसे ये दिलचस्पी रहती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग क्लास मजबूत वर्किंग क्लास जो है वो कमज़ोर हो, उसका विभाजन किया जाए, लिहाजा 4 साल लगा दिए गए। ईडीएस का मेंबरशिप वेरिफिकेशन शुरू हुआ, मेंबरशिप वेरिफिकेशन में अड़ंगे लगाए गए उस सो कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड यूनियन के द्वारा और बीपीएफ की यूनियन के द्वारा। पहले कहा गया ये मांगा जाए कि हर जिले हर डिवीज़न में एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ऑथराइज्ड। हम लोगों ने 440 डिवीज़न में से 422 डिवीज़न में ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की लिस्ट सेक्रेटरी पोस्ट को, सारे चीफ पीएमजी को, हर डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट को भेज दी, वो लोग नहीं भेज सके। इसके बाद फिर उन्होंने एक नया सिगूफा निकाला, कभी मौसम का अभी लिख करके दिया था जब हम लोगों ने ज़्यादा कार्रवाई की और मेमोरेंडम दिया और उसमें प्रमुख मांग ये रखी कि जीडीएस का मेंबरशिप वेरिफिकेशन होना चाहिए, तो उसने लिखा कि अभी बहुत गर्मी पड़ रही है उत्तर भारत में। हमको जब ऑफिसरों ने बताया हमको बड़ी हंसी आई, हमने कहा भाई अभी गर्मी पड़ रही है, अगले महीने से बरसात शुरू होगी, उसके बाद ठंड आ जाएगी, फिर गर्मी आ जाएगी, इस तरह से तो ये शुरू ही नहीं होगा। क्या लोकसभा विधानसभा के चुनाव नहीं होते हैं इस तरह के मौसम में? तब वो वेरिफिकेशन शुरू हुआ, हमने ज्ञापन दिया था। आप लोगों को जानकारी होगी जब से ये यूनियन बनी बिना पैसे के बिना मान्यता के आप लोग चला रहे हैं, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन हर मीटिंग में वेलफेयर की मीटिंग हुई, वेलफेयर बोर्ड की मिनिस्टर के साथ, वो जनरल सेक्रेटरी नहीं था, हमारा जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ था, हम ले करके गए थे, वेलफेयर बोर्ड की मीटिंग हुई, उसमें वेलफेयर की तमाम स्कीमें आई, आप लोगों को तमाम सुविधाएं उसमें बढ़ाई गई। इसके बाद जब सेवेंथ पे कमीशन के लिए हमने, कन्फेडरेशन ने, कामरेड कृष्णन ने, सब ने पूरे प्रयास किए, लेकिन पे कमीशन ने हमारी मांग को रिजेक्ट कर दिया, तो हम मजबूर थे। प्रशासन ने हमसे पूछा, कुछ नाम मांगे, हमने कुछ ऐसे ऑफिसरों के नाम दिए जो पॉजिटिव सोच के ऑफिसर रहे हैं, उनमें से एक ऑफिसर को चुना और उस ऑफिसर ने काफ़ी अच्छी व्यावहारिक रिपोर्ट दी है। आप लोगों का बहुत ज़्यादा उसने नहीं बढ़ाया, हमने 5 घंटे की मिनिमम पेज की मांग की थी, लेकिन जब उन्होंने सर्वे कराया तो सारे देश में 55% जीडीएस का काम 2.5 घंटे से कम का निकला, तो उन्होंने मिनिमम 4 घंटे का पेज सबको दिया है, 10,000, 12,000, 14,500 के, और आपका वही 2.57 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्टेज में फिक्सेशन होगा। उसके अलावा कंपोजिट अलाउंस दिया है, 3% रेट ऑफ इंक्रीमेंट दिया है, 3 MACP की भी रिकमेंडेशन की है, मैटरनिटी लीव की रिकमेंडेशन की है,
इस तरह से तमाम सारी आप लोगों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस की 5 लाख की रिकमेंडेशन की है, इस तरह से बहुत कुछ अच्छा उसने रिपोर्ट दी है, अब हमको उसे लागू कराना है। ये डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट इस कोशिश में थे कि इसको डिले किया जाए, जब ये रिपोर्ट लागू हो गई तो मिनिस्टर के पास भेज दी गई और उसके बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आ गई। अब उसको पब्लिश नहीं कर रहे थे, वो सो कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड यूनियन का जनरल सेक्रेटरी, उसने नोटिस दिया था स्ट्राइक का, बाद में विड्रॉ कर ली वो। हमने इंडेफिनिट हंगर फास्ट का नोटिस दिया, हमारे नोटिस के तुरंत बाद एडमिनिस्ट्रेशन में खलबली मची, सेक्रेटरी ने DDG एस्टेब्लिशमेंट को मिनिस्टर के पास भेजा और मिनिस्टर से वो अप्रूव करा के लेके आई। इसके बाद उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन से इसकी परमिशन ले ली जाए, इलेक्शन कमीशन ने इस पर उनको डांट लगाई कि जब ये काफ़ी पहले आ चुकी थी तो आपने पब्लिश क्यों नहीं की, इलेक्शन कमीशन के अप्रूवल के बाद वो पब्लिश हो गई। उसके बाद जब इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट हट गया तो उसके बाद उस पर कार्यवाही शुरू हुई, इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनी, हम लोगों ने जो मेमोरेंडम सबमिट किया था हमने वेबसाइट पर डाला था, AIPU, GDS और NFP ने, हम लोगों की 3 बार मीटिंग हुई, सारे विचार रख करके आए थे उस कमेटी के आधार पर। और हमें ये कहते हुए खुशी है कि हमने जितने सुझाव दिए थे ज़्यादातर उस कमेटी ने स्वीकार किए हैं और माने हैं। और पहली बार GDS के लिए जो बोनस मिला, पिछली बार GDS के बोनस बढ़ा हुआ बोनस मिलने में 4 साल लगे थे, इस बार केवल 2 महीने लगे, क्योंकि हमने उसको परस्यू किया और उसके बाद जब वो GDS कमेटी को भेजा गया, GDS कमेटी के चेयरमैन ने इतनी अच्छी रिकमेंडेशन दी, उन्होंने बताया कि GDS 2900 करोड़ रुपए खर्च करता है लेकिन 2700 करोड़ रुपए कमाता है, इसलिए जो 8000 करोड़ का घाटा है वो GDS के कारण नहीं है। इसलिए वो मामला फाइनेंस मिनिस्ट्री गया, हम निरंतर परस्यू करते रहे, हमने अपने यहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अफसर को भिजवाया, फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेके आया और आप लोगों को भी रेगुलर कर्मचारियों के बराबर GD बोनस मिला, आप लोगों को भी लगभग 20,000 रुपये बोनस मिला बढ़ करके, पिछली साल का एरियर मिला और ये बोनस बढ़ करके मिला। इसी तरह से अब हमने जैसे ही नोटिस दिया, हमारा नोटिस देने के तुरंत बाद उसमें कार्यवाही शुरू हुई और मिनिस्टर से वो अप्रूव हो करके रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री चली गई है, GDS वेरिफिकेशन आ गया है। आप लोगों से मैं यही अपील करूंगा, मैंने अपनी सारी यूनियनों के जनरल सेक्रेटरी, सर्किल सेक्रेटरी, डिवीजनल सेक्रेटरी, खासकर P3 P4 के सभी डिवीजनल सेक्रेटरी से ये कहा है कि वो पूरी तरह से हर तरह की मदद आप लोगों को देकर के इस यूनियन को खड़ा करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारी यूनियन नंबर 1 आनी चाहिए। आप लोग जब यहाँ से जाएँ फील्ड में तो आप लोग पूरा जोर लगा दीजिए, पूरी कोशिश करिए, अगर कोई भी P3 P4 का डिवीजनल सेक्रेटरी अगर आपकी मदद नहीं कर रहा हो तो सीधे मुझे सूचित करिए, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। लेकिन मैंने ये भी कहा है अगर किसी को वित्तीय मदद की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, वो सीधा संपर्क करता है। एक डिमांड हमारे पास आई उड़ीसा से, हमने अपने P3 के सर्किल सेक्रेटरी को कहा है कि उनको उतना पैसा दे दीजिए, हम आपको दे देंगे, हम लोन देंगे अगर किसी को ज़रूरत हो, लेकिन इस बार चूक नहीं होनी चाहिए, ये यूनियन नंबर 1 बननी चाहिए। रही कमेटी की रिपोर्ट की बात, निश्चित रूप से आज का आप लोगों का ये जो आंदोलन है, ये मार्च है, इसका असर पड़ेगा और निश्चित रूप से ये रिपोर्ट बहुत जल्दी लागू होगी। साथियों हमारे बीच हमारे NFP और AIPU GDS और कैशल लेबर के लिए कैशल लेबर फेडरेशन अभी ये धरना और संजार फैन मार्च कंडक्ट किया, नेक्स्ट 23 अगस्त में स्ट्राइक है, इसके बाद NFP डिसाइड करेगा, इन दफे स्ट्राइक में जाने के तैयार है, मगर ये बॉल अभी गवर्नमेंट का कार्ट में है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का कार्ट में, गवर्नमेंट डिसाइड करना है, इंडेफिनिट चाहते हैं तो इंडेफिनिट में जाने के लिए हम तैयार हैं। सो कॉमरेड, ये सभी कॉमरेड इधर आया, केरला से आया, पंजाब से आया, राजस्थान से आया, UP, बिहार, ये सभी स्टेट से इधर आया, ये सभी कॉमरेड्स को मैं हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हमारे GDS वेरिफिकेशन में आप सब कॉन्सेंट्रेट करो, सितंबर 5 है लास्ट डे, सितंबर 5 के पहले सभी GDS के डिक्लरेशन, AIPU, GDS, NFP ये यूनियन को देने का कोशिश करो, नंबर 1 यूनियन बनाओ, डेफिनेटली हमारी डिमांड सेटल करेगा। GDS के इम्प्रूवमेंट डायरेक्ट का एक बहुत अच्छे रिपोर्ट है, कमलेश चंद्रा कमेटी का रिपोर्ट, मिनिमम पे स्केल DPM का मिनिमम 12,000 उन्होंने रेकमेंड किया, मैक्सिमम 14,500 रेकमेंड किया,
जेडीएस एमडी एमसी ऐसा जेडीएस को 10,000 मिनिमम है 12,000। ये प्रोरेटा वेजेस नहीं, फिर भी इम्प्रूवमेंट है। ये इम्प्रूवमेंट अगर गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो बिगर एजुकेशन हम प्लान करेगा आप सभी को और एक बार एन एफ पी और कॉन्फेडरेशन की ओर से अभिनंदन करने के बाद हम गिरिराज सिंह गिरिराज अध्यक्ष महोदय एम एस पी सेक्रेटरी जनरल पावर सर जी, कॉन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल कृष्ण जी, एम एस टी बी डी एस यूनियन के जनरल सेक्रेटरी पांडु अग्रवाल जी तथा एम एस पी से एफिलियेटेड सभी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, देश के कोने कोने से आए बी डी एस साथियों साथियों, आज जो संचार मार्ग सेक्रेटरी की ओर से रखा गया है, ये क्यों रखा गया इसकी सारी तस्वीरें हमारे वरिष्ठ नेताओं ने रखा और ए के पी में आने वाले संघर्ष के बारे में एक पृष्ठभूमि तैयार किया। उन्होंने जैसे बताया कि 8 अगस्त को देश के सारे श्रमिक संगठन एक सरकारी संगठन को छोड़कर यहाँ कालकटरा स्टेडियम में एकत्रित होंगे और मजदूरों की आगे की जो निर्णायक संघर्ष होगा उसके बारे में कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा। सर जी डी एस साथियों पूरा एक रील की हड्डी है डाक विभाग की और पूरी तल्लीनता से अपनी सेवाएं देता है, लेकिन उसकी जो मांग है सिविल सर्वेंट की उसको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी 77 के बाद आज तक डिपार्टमेंट ने नहीं माना। जो आज हमारी मुख्य मांग है साथियों कि कमलेश कमेटी की जो सकारात्मक रिपोर्ट है बीडीएस के पक्ष में उसको लागू करने के लिए आज जो एकत्रित हुए हैं उसमें नवंबर में रिपोर्ट सबमिट करने के बाद भी डिपार्टमेंट क्या है कानून में झूल रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके पूर्व भी ये यूनियन ने संघर्ष किया था और ये आज जो मार्च है ये सफल मार्च रहा है। मंत्री तक और डिपार्टमेंट तक ये बात उनके कानों तक पहुँच चुकी है साथ में और एन एफ पी ने जो चरणबद्ध कार्यक्रम घोषित कर रखे हैं उसमें आपके जी डी एस की मांग नंबर 2 पर है। इसलिए मेरा आह्वान है साथियों कि आने वाले 23 अगस्त को एक जो 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एन एफ पी ने एक दिन का हड़ताल किया है उसको पूरी शिद्दत से लागू किया जाए और उसमें सहयोग करिए साथियों और आने वाले जो भी संघर्ष एन एफ पी कॉन्फेडरेशन और श्रमिक संगठन द्वारा आरोप किए जाएंगे उसमें आपकी भागीदारी रहे ये मेरी रिक्वेस्ट है साथियों। साथ ही जो अपना वेरिफिकेशन का प्रोसेस जारी है उसमें पूरा एन एफ पी आपके साथ देश के कोने कोने से आए सर जी डी एस कांग्रेस को और कैजुअल लेबर कांग्रेस को पहले हार्दिक अभिनंदन देता हूँ। आज जो ये लड़ाई है आज से खत्म नहीं है, आज शुरू है। ये गवर्नमेंट में कमलेश चंद्रा रिपोर्ट को 23 अगस्त के अंदर शामिल नहीं करें तो अभी कृष्ण साहब ने बोला है 23 में एक दिन का हड़ताल, इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चलेगा पूरा एन एफ पी और कैजुअल लेबर का भी है। जो वेज रिविजन का ऑर्डर डायरेक्टरेट दिए तो भी सर्किल्स में कोई इसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे, फेंक दे रहे। चीफ पी एम जी है वो ऑर्डर को ऐसा फेंक दे रहे, डायरेक्टरेट ऑर्डर को कोई भी रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है। तमिलनाडु सर्किल में आप अनिश्चितकालीन हंगर स्ट्राइक में बैठने के बाद वो उधर लेबर कमिश्नर डायरेक्शन दिए 9 अगस्त तारीख को अंदर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करो, इम्प्लीमेंट करो बोल के वो स्थिति है। हर एक स्टेट में वो अभी पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। एक वन मंथ 2006 से अभी तक वो लोगों को पूरा एरियस नहीं मिला है ज़्यादा सर्किल्स में, वो पूरा देना है। ऑर्डर देके 3 साल हुआ अभी तक एरियस पूरा नहीं दिए। अभी जी डी एस के वैकेंसीज में कैजुअल लेबर को रिलैक्सेशन करके इम्प्लीमेंट करके उसको दे के बाहर को देना है रिक्रूटमेंट के लिए, मगर एक डिवीजन में भी कैजुअल लेबर को वो जी डी एस देने के लिए तैयार नहीं है। ये स्थिति एक ऐसा है, बोले तो एक ही बात में बोलता हूँ, जो उस दिन हिटलर ने जो बोलता है ऐसा ये एनडीए गवर्नमेंट बोलता है। वो बोलता है अलग करते हैं अलग, वो जो बोलता है वो नहीं करता है। पूरा बोलता है उधर से प्राइम मिनिस्टर
किसी के ऊपर भी आप दबाव मत, किसी को भी हम सब डेमोक्रेटिक कंट्री में है। नेक्स्ट डे वो इसका रिलीजन के नाम पे, गौड के नाम पे पूरा चलता रहता है, इधर बोलता है हाँ दे दो, ऑर्डर देता है, कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं करता है, वही बोलता है रखो इम्प्लीमेंट करो बोल के इनडायरेक्टली। ये स्थिति चल रही है, ये स्थिति को हम नहीं रोक, ये नहीं मानेंगे, ये स्थिति बदलना है पूरा। हमने AKP ने बोला है सब वर्किंग क्लास यूनाइट होके इसको एक लेसन दिखाना है, वर्किंग क्लास का ताकत है ये बोला है, ये बोलने के लिए ये हमारा आज का कार्यक्रम शुरू है, हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू कॉमरेड्स एंड ऑल द वेरियस कॉमरेड्स एंड अदर एनएसपी एथलीट्स कॉमरेड्स हु आर कम फ्रॉम वेरियस कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कंग्रेचुलेट द GDS कॉमरेड्स फॉर हैविंग कंडक्टेड सच अ सक्सेसफुल रैली। कॉमरेड्स जो कदम आपने ये उठाया है दिस हिस्टोरिक स्टेप विल डेफिनेटली रीच द ईयर्स ऑफ द अपर स्टेटस एंड देयर विल बी अ रेजोल्यूशन टू योर ऑल योर प्रॉब्लम्स। कमरेड हम ज़्यादा डिटेल्स तुम्हें बोलने का आवश्यक नहीं है, ऑल द अदर लीडर्स हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द वेरियस क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस एंड द इमीडिएट प्रॉब्लम बिफोर इज that the Communist Chamber Committee report should be accepted in toto and it should be implemented with retrospective effect from January 2016. That is the aim of the GDS employees and till that is achieved, we will continue our struggle and I assure that on behalf of the